नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। झांसी में आज लोको रनिंग स्टाफ की ओर से पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर संयुक्त लोको पायलट पेटी गोदाम पर एक सभा का आयोजन कामरेड नरेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा कि रनिंग स्टाफ को अपनी एकता का परिचय देकर घरों से बाहर आना चाहिए। कामरेड आलोक वर्मा बी के उपाध्याय ने कहा कि संगठन में शक्ति है, सभी रनिंग स्टाफ को अपनी एकता का परिचय देकर एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। महिला पायलट मंजू यादव राखी वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि झांसी की वीरांगना उन्हें ठानी है, पुरानी पेंशन बहाल करानी है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने कहा कि अधिकतर अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाली के संदेश आ रहे हैं। झांसी मंडल में भी समय समय पर प्रदर्शन होता रहता है। कामरेड डी के राज ने कहा, रनिंग स्टाफ भी सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। पेंशन स्कीम बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और किया जाएगा। इस अवसर पर जयप्रकाश, अमित सेन, बार मोहम्मद मिराज, अहमद हरभजन, लिखदारी सुदर्शन, अमित यादव, संदीप गुप्ता, संजय गुप्ता, संतोष कश्यप, मुकेश यादव, मंडोरा, सुधीर मिश्रा, देवेंद्र सिंह, प्रमोद वर्मा, अश्वनी गोस्वामी, रविन्द्र पचौरी, आर के श्रीवास्तव, दाडी लाला सहित अनेकों महिला लोको पायलट, अनेकों सक्रिय रनिंग स्टाफ कर्मचारियों ने भाग लिया। झांसी से आरके दुबे, जिला रिपोर्टर सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल की ओर से खास रिपोर्ट। आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए, आई आर ई एफ के बारे में हैं।